नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स और सब, आप कैसे हैं? तो मुझे बहुत खुशी हुई आपने मेरे चैनल को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं जानकारी देने वाला हूं वो बहुत ही खास है। जब हम काम देखने के लिए जाते हैं तो हमें रेट मांगना चाहिए। जब हम नाप नपाई कर लेते हैं उसकी, तो क्या रेट हमें फुट के हिसाब से क्या रेट मांगना चाहिए फ्रेंड्स? तो नॉर्मली जो हम रेट लेते हैं, जैसे कि सीधी दीवार होती है, सीधा काम होता है, तो वो सिंपली हम रेट जो चल रहा होता मार्केट का वही लेते हैं। पर लेकिन जब काम आ जाता है कटिंग का, जैसे छोटा छोटा, या जैसे मान लो कि कपबोर्ड में अगर आपको टाइल लगानी है, तो उसका रेट हमें कैसे लेना चाहिए फ्रेंड्स? क्योंकि 5-5, 6-6 फुट का एरिया होता है, छोटा छोटा वो होता है, जो बॉक्स बने होते हैं उसके अंदर जो टाइल लगानी होती है। जैसे आपने देखा होगा कपबोर्ड जो बने होते हैं दीवार के अंदर, सीमेंट के बने होते हैं, तो उसके अंदर जो कई लोग जो हैं वो टाइल्स लगवाते हैं, कई घरों में जो टाइल्स लगानी होती है, तो उसका रेट हमें कितना मांगना चाहिए फ्रेंड्स? और जैसे हम मान लो कि बाथरूम का अकेला फ्लोर लगाना हो तो उसका रेट क्या होना चाहिए? जैसे वॉल टाइल्स पहले लगी हुई है, या मान लो कि कस्टमर ने वॉल टाइल्स नहीं लगानी, सिर्फ फ्लोर टाइल्स ही लगानी है, तो उसका क्या रेट होना चाहिए फ्रेंड्स? ऐसी ही बहुत सारे छोटे छोटे एरिए होते हैं जिनका हमें हिसाब नहीं होता, हमें कई बार घाटा पड़ जाता है अगर हम नॉर्मली रेट मांगे जैसे जो मार्केट में चल रहा है। तो इसलिए फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखना कि मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि जब भी आपको रेट मांगना है जो छोटे एरिए हैं, तो कम से कम आपको उससे 3 गुना रेट मांगना चाहिए। जैसे मान लो कि हमारा नॉर्मली रेट चल रहा है, क्योंकि आपको कंपैरिजन करना है आपका जो हेल्पर हो गया, लेबर हो गया, और आपका जो है मेहनत, जो आपका टाइम लगेगा कटिंग में, जो आप कटिंग कर रहे हो, तो उसमें जो कोर होगी, कोर धार हो गई, तो उसको जो होता है उसको मिलाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसी वजह से उसका रेट जो होता है, मान लो कि अगर आप 3 गुना मांगते हो तभी आपको दुगने से भी कम मिलेगा, यानी कि आपको 1.5 गुना ही मिलेगा नॉर्मल रेट से। पर लेकिन वो नॉर्मल रेट से कोई ज़्यादा नहीं होता, वो होता नॉर्मल ही है। क्योंकि जब हम काम करते हैं, जब वो काम छोटे छोटा काम जो है वो बहुत टाइम लेने लग जाता है, तब हमें पता चलता है कि हमने, शुक्र है हमने ज़्यादा पैसे मांगे, और हमें चाहे 1000 रुपया कम मिला लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ हमें। तो फ्रेंड्स, जब हम काम कर रहे होते हैं कम रेट में, तब हमें पता चलता है कि अगर हमने रेट ज़्यादा मांगा होता तो हमें कितना फ़ायदा होता। तो फ्रेंड्स, जब भी आप रेट मांगें तो ये ध्यान रखें कि आपका जो हेल्पर का खर्चा और आपका आने जाने का खर्चा और प्लस जो भी आपका खर्चा आता है वो काम करने में, वो सारा निकल जाए और आपको बचत हो। क्योंकि मान लो कि अगर आपने कारीगरी सीखी है, तो अगर आपको दिहाड़ी 500-600 रुपये पड़ रही है तो कोई ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स। तो अगर आप ठेका लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, तो इस बात का ध्यान रखना फ्रेंड्स कि आपको जो रेट मांगना है वो आपकी दिहाड़ी से थोड़ा ज़्यादा हो, ताकि अगर आपको किसी और को लगाना हो वहाँ पर, और वो चाहे थोड़ा धीरे भी काम करे, तब भी उसकी दिहाड़ी निकल सके। तो फ्रेंड्स, अगर जैसे हम बाथरूम में टाइल्स लगाते हैं, अभी फ्लोर के बारे में आपको बताया, तो फ्लोर टाइल्स का जो रेट होता है वो भी आपको समझ लो कि पूरा बाथरूम जैसे हम लगाते हैं 1500 से 2000 रुपये में, मतलब फुट के हिसाब से बन जाते हैं कई बाथरूम, कई बनते हैं 2500-3000, ज़्यादातर 2500-3000 वाले होते हैं, इतना एरिया हो जाता है उनका। पर अगर अकेला फ्लोर लगाना हो तो कम से कम उसका हमें 1000 रुपया या 1500 रुपया या 1500 से 2000, जैसे जितना फ्लोर बड़ा या छोटा या तिरछेपन में है। तो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना। और जो इंडियन शीट जो होती है, इंडियन शीट लगी होती है, तो उसकी कटिंग और उसकी ढाल जो होती है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो अकेला अगर उसी में टाइल लगानी हो तो उसका भी कम से कम हमें 500 रुपया, तो अकेला थोड़े से एरिए का ही, जो 4-5 फुट एरिया होता है या 6 फुट एरिया होता है, तो कम से कम उसका ही 500-600 रुपया तो उसका ही अकेले का होता है, तभी बेनिफिट होगा। अगर मान लो कि हम वही 15 रुपये या 20 रुपये फुट में वही लगाते जा रहे हैं, तो हमें उसमें कोई भी बचत नहीं होने वाली। अगर आप फ्लोर टाइल्स लगा रहे हैं, अकेला बाथरूम में अकेला फ्लोर्स ही लगाना है, तो इस बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स कि आपको जो है वो 1500-2000 रुपये से कम नहीं रेट बोलना चाहिए। क्योंकि रेट जो एक्चुअल में आपको मिलेगा वो आपने जितना मांगा है उससे कम ही मिलेगा। अगर आपने किसी को, जैसे मान लो कि हम कहते हैं कि पूरा इसका जो है हमें 3000 रुपये दे दी, तो 3000 में से आपको कितना मिलेगा ये डिपेंड करता है कस्टमर पर।
क्योंकि जब आप 3,000 बोलोगे तो उससे कम ही आपको मिलेगा, अगर आप 2,000 बोलोगे तो उससे भी कम मिलेगा, अगर आप दोस्तों 1,000 रुपये भी बोलोगे तो उससे भी कम मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आप 3,000 मांगते हो तो आपसे कम करने के लिए बोलेंगे, तो आप कितना कम कर सकते हो वो आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है कि जितनी आपकी मेहनत है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मेरा यही मतलब था कि आप ये चीज़ समझ पाएँ कि रेट जब आप मांगते हैं जैसे 3,000, तो आपको मान लो कि जब वो कम करवाएगा तो 2,500 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है और कम होगा तो 2,000, तो आपके पास गुंजाइश है घटाने की। अगर आपने पहले ही रेट जो है वो पहले ही आपने कम बोलिए तो क्या गुंजाइश, क्या कम करोगे आप? ठीक है, अगर आप कम करोगे भी तो उसका आपको ही नुकसान है। और मान लो कि कोई जान पहचान वाला आपका आ गया और वो कहे कि नहीं यार और कम करो, तो उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बजाय निराशा के आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स।